नमस्कार, मैं वैद्य धवल दोलकिया, आयुर्वेद एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले दिनों एक पीडीएफ जो है वो वायरल हुआ है रिगार्डिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसकी डेट है 25/1/2024। एग्जैक्टली इसमें क्या बताया गया है, किस तरह से आगे की चीजें रहेगी, उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो रहेगा, तो आखिर तक आपको यह वीडियो देखना है। एट फर्स्ट टू द प्रिंसिपल डीन और डायरेक्टर ऑफ ऑल ASU एंड एस मीनिंग क्या है, ये जो भी कॉलेज डीन या डायरेक्टर अथॉरिटी है उनके ऊपर कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर डीन या फिर डायरेक्टर जो कि कंपोनेंट अथॉरिटी है उनको उद्देश्य के ये पूरा का पूरा जो है वो पीडीएफ है। ये पूरा का पूरा लेटर जो है वो बनाया गया है। लेटर में इसका सब्जेक्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रजिस्ट्रेशन। इसका मीनिंग है नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वह आवश्यक है आपको लाइसेंस प्रदान करने के लिए, ताकि आप अपनी फील्ड में रिस्पेक्टिव फील्ड में प्रैक्टिस कर पाए कर सके। इसका विषय क्या है, सर एंड मैडम, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबो आई एम डायरेक्टेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी टू इन्फॉर्म दैट, अर्थात यह काउंसिल की ओर से कंपोनेंट अथॉरिटी को सीधा ही आदेश दिया जाता है, सीधा ही बताया जाता है कि आपको इस तरह से करना है, आपको इस तरह से सूचित करना है। क्या है इसके अंतर्गत, द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020। यह एक्ट कब बना था, 2020 में बना था। उसमें क्या बताया गया था, प्रोविजन इन सेक्शन 15/123 स्टेट्स टू कंडक्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर अ फाइनल ईयर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अर्थात नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वह कंडक्ट किया जाएगा। यह एक्ट कब बना था, 2020 में बना था। फर्दर द नेशनल एग्जामिनेशंस फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन रेगुलेशंस 2023 सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 क्लाउज ABC एंड सब सेक्शन 6 ऑफ स्टेट्स दैट, यह अभी जो पिछले 1-1.5 महीने पहले एक रेगुलेशन वाला बाहर पड़ा था उसके अंतर्गत क्या बताया गया था, तो उसके अंदर बताया गया था अ नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा सिद्धा एक्सेट्रा सभी के लिए शेल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, अर्थात एक अथॉरिटी जो है उनके द्वारा एक नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वह कंडक्ट किया जाएगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट शेल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस, जैसा कि हमने आगे बताया कि इस एग्जिट टेस्ट के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए या फिर आप रजिस्टर्ड हो पाए ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया, आपके पास अगर ये लाइसेंस नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा, वह वैलिड नहीं होगा। मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप द एग्जामिनेशन शेल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। इस एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या रहेगा, एग्जैक्टली वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वह प्रॉब्लम बेस्ड रहेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या, हम कर सकते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो भी क्लिनिकल कंडीशन वगैरह है उनके ऊपर रहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के आपके पास ओपीडी में 26 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट इस तरह की कंप्लेन लेके आ रहा है, तो आप निम्न में से कौन सा द्रव्य उसको देंगे, या फिर निम्न में से कौन सा औषधि योग उसके लिए बेनिफिशियल है। इस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं टू टेस्ट योर क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड द एबिलिटी टू डील विथ मेडिको लीगल केसेस। यह दो चीज इसमें और रहेगी, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा एंड सोवा रिग्पा, मतलब आयुर्वेद इत्यादि जो सभी स्ट्रीम है, आयुष है, यूनानी है, सिद्ध है, सोवा रिग्पा, इन सभी के लिए यह जो है वो पूरा लागू होगा। द नेशनल एग्जिट टेस्ट शेल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरीली इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड ऑगस्ट एवरी ईयर, साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी, एन इंटर्न हु हैज कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप, अर्थात 9 मंथ्स
जिसके इंटर्नशिप में कंप्लीट है वह यह टेस्ट दे सकता है। एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट, जैसे नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए फॉर्म बाहर आता है, तब अगर आप ये देना चाहते हैं तो आपकी इंटर्नशिप मिनिमम 270 डेज की कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सोवारिक्पा, वह कंप्लीटेड 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप, या फिर आपकी इंटर्नशिप पूरी की पूरी खत्म हो गई है तो आप दे सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन 36 ऑफ दिस एक्ट। इसमें और दो चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी आयुर्वेदा शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज द केस मे बी। अगर किसी ने भी यह टेस्ट जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर यह टेस्ट जो है उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट, अगर आप उत्तीर्ण नहीं है इसमें, तो एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर्ड बोर्ड। मतलब आपका प्रैक्टिस के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो लाइसेंसिंग आपको दिया जाता है, वो नहीं हो पाएगा। सो यू आर डायरेक्टेड, यू आर मतलब कौन, जो कंपोनेंट अथॉरिटी है, प्रिंसिपल है, डीन है, डायरेक्टर है, उनके लिए ये लिखा गया है। सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटर्न ऑफ योर कॉलेज टू मेक देम अवेयर। सभी फाइनल ईयर के अभी जो बच्चे हैं उनके लिए तथा इंटर्न के लिए यह सूचना लागू होती है कि आपके लिए एग्जाम होगी, एंड अवॉइड अननेसेसरी कॉरेस्पॉन्डेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द प्रोसेस और प्रोसीड्यूर ऑफ दिस एग्जामिनेशन हैज टू बी कंप्लीटेड, इसकी पूरी जो प्रक्रिया हैज टू बी कंप्लीटेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विथ इन 3 ईयर्स एज द डेट ऑन विच दिस एक्ट केम इन टू फोर्स। एक्ट जब से अस्तित्व में आया उनसे 3 साल में यह प्रक्रिया पूर्ण करनी है, पूर्ण की जाएगी। एक्ट कब से आया इसी में हम देख सकते हैं, एक्ट के लिए लिखा गया है, आप 2 नंबर का जो है वह पढ़िए, द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020, 2020 में यह आया था। उनके 3 साल में यह जो है वह कंप्लीट किया जाएगा, या फिर यह व्यवस्था लागू की जाएगी विथ इन 3 ईयर्स, मतलब यह हो गया 2023 तक। तो अभी के जो भी बच्चे हैं, यह पीडीएफ के हिसाब से अभी के जितने भी इंटर्न है या फिर जो भी बच्चे 4th ईयर में है उनके लिए ये लागू होगा। दिस इज इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी। आगे की जानकारी के लिए आप इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी तो आप तक वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाई जाएगी। थैंक यू, वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। थैंक यू।